इंद्री हलके से होकर गुजर रही पश्चिमी यमुना नहर में टपरिया गांव के पास रिसाव हो गया, जिसकी वजह से साथ लगते गांव में हड़कंप मच गया। काफी संख्या में लोग नहर पर पहुंच गए। इस मामले की सूचना सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दी गई, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंच गई और आनन फानम में एक JCP को बुलाकर इस रिसाव को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन लोगों में इस बात की सूचना मिलने के बाद भी सिंचाई विभाग के लोग अधिकारी क्यों नहीं पहुंचे, इसको लेकर लोगों में रोष व्याप्त है। पिछले साल भी यहीं यहां के लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर इस नहर में लगभग 100 फीट की दरार पड़ गई थी, जिससे सैकड़ों लोगों की फसल बर्बाद हो गई थी। वहीं इसी डर से अभी भी लोगों को सता रहा है कि लोगों की सूचना देने के बाद भी अधिकारी मौके पर क्यों नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके तट मजबूत किए जाए, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों नहीं है, कहीं ना कहीं प्रशासन लापरवाही कर रहा है। आपका नाम? मेरा नाम खुश नसीब जी, गांव जैनपुर। यहाँ पहले भी कई बार, यहाँ पहले कई बार नहर टूट चुकी है जी, शेखपुरे के और अनौरी के बीच में से। पहले भी किसानों का बहुत नुकसान हुआ था, उनका अब तक सरकार ने मुआवजा नहीं दिया है जी, और अभी भी यही हालात हैं। यहाँ से टपरियों के और छपरियों के बीच में अभी भी नहर टूट चुकी है, अभी भी प्रशासन का कोई आदमी यहाँ नहीं पहुँचा है। इसीलिए भाई यहाँ फसलों का भारी नुकसान हो सकता है। कितने भी सरकार ने जितने भी यहाँ इसमें नहर में मटेरियल लगाया गया सब बेकार है, घटिया है, ये भ्रष्टाचार सरकार है। तो जितना भी उन्होंने सब खा गए हैं। इस नहर से भी जितनी भी मिट्टी निकाली गई थी वो मिट्टी इसकी पलटी के ऊपर लगाने की वजह से इन्होंने बेच दी है। तो इसीलिए अब JCP यहाँ पर पहुँची है और सुबह से सबको पता लग रहा है, यहाँ कई गांवों के लोग इकट्ठा हुए हैं और सुबह से अब पता लगा है भाई यहाँ से नहर टूट रही है। तो अभी तक कोई प्रशासन का आदमी यहाँ पर नहीं पहुँचा है, सिर्फ एक JCP पहुँची है यहाँ पर। तो किन की लापरवाही है? ये सरकार की लापरवाही है, अधिकारियों की लापरवाही है। आपका नाम? माया राम सैनी। समस्या तो ये आ जी, यहाँ टपरियों छपरियों के काफ़ी लोग यहाँ नहर पर इकट्ठे हुए और इन्होंने यहाँ देखा कि 2-3 नहर न चल रहे और प्रशासन 2-3 क्या मतलब लगभग 1 किलोमीटर के करीब नहर बिल्कुल कच्ची आ और 2-3 जगह ना तो ऐसा चल रहा है अभी हाल 2-1 ट्यूबवेल जितना पानी दे दे उतना पानी चल रहा है, बूढ़ चल गए गाँव और मतलब गाँव के लोग यहाँ कुछ नहीं कर सकते। ये प्रशासन का काम आ, SDO की जिम्मेवारी बैठती है और पहले भी पिछले साल एक हादसा होया था और क्या नाम शेखपुरे और इनोवे के बीच से यही नहर टूटी थी। अब की बार ये छपरियों की बिल्कुल सीध माँ और युवा का, तो हमारी तो यही प्रार्थना भी मान ले प्रशासन की जिम्मेवारी भी बैठा, महकमे की जिम्मेवारी बैठा और किसी की भी जान या माल का नुकसान अगर हो गया तो इसकी सरकार या महकमा देनदार होगा। और लोगों ने सूचित भी कर दिया और कह भी दिया संडे का दिन आओ दो, बाकी जो मतलब नुकसान और उसकी बात है लोगों ने जागृत कर दिए, लोग यहाँ मौके पर खड़े। ये भी हाल कोई डिपार्टमेंट का कोई महकमे का कोई आदमी यहाँ पहुँचे नहीं। जब हमारे बुजुर्गों के टाइम में नहर चले गए थी इसमें 13,000 क्यूसिक पानी चले गया था और उस टाइम भी यह नहर कहीं दिन टूटी। एक बार 1972 के अंदर टूटी थी, वो भी महकमे की लापरवाही से टूटी थी और उसके बाद तो इसका मतलब इन्होंने काम भी आए साल रिपेयर भी करा और अब की बार तो पिछले साल भी टूट गई थी और अब की बार भी ये टूटी जागी। जी आपका नाम? मोहम्मद एहसान जैन प्रसाद। हाँ जी, पता क्या जी, इसमें जितना मटेरियल लग रहा है सब ये घटिया लग रहा है जी। कई बार इसके मालिक कई जगह से नहर बिल्कुल बैठी हुई है जी और इसका ज़्यादा भारी नुकसान हो जाएगा, ज़्यादा खतरा होगा जी। और यहाँ से मान ले 2-3 जगह से नहर के मान ले बुरल खुर रहा है, पानी चल रहा है जैसे ट्यूबवेल में से चला करे। और मान ले SDO पे भी फोन हो गया, सब प्रशासन भी फोन हो गया, या मौके पे कोई नहीं अब तक पहुँचा। तो आप लोग सूचना कब मिली? तो सूचना सुबह मिली जी, सुबह से फोन कर रहे हैं। अब काफ़ी 4-5 गाँव के यहाँ लोग खड़े हैं, मान ले कोई किसी का कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना कोई प्रशासन का आदमी आ रहा है ना महकमे वाले आ रहे हैं। तो ऐसे ही पानी चलता रहे तो क्या? ऐसे से पानी चलता रहे पब्लिक मरी नहीं जाएगी, जान माल का नुकसान हो सके, फसलों का भारी नुकसान हो जाएगा, जान माल का भी नुकसान होगा। तो पहले पिछले साल भी कोई ऐसे पिछले साल ऐसे शेखपुरे और ये मान ली न्योरी के बीच में से होया ऐसी कांड, वहाँ काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ, मान ली किसी को आज तक भी मुआवजा नहीं मिला। तो यहाँ तो जितना नदी में पानी आ रहा है इस जान माल का नुकसान हो सके। तो किसी अधिकारी ने पहले आके नहीं देखा इससे? नहीं, कौन देखता जी, यहाँ अधिकारी आके देखता फिर ऐसा क्यों होता है? ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।